तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर दोबारा बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सर्वर के बारे में। यह हमारी कार है और यह हमें और यह हमारी पार्टी हो रही है। लेकिन आज का वीडियो उस तरह से नहीं होगा जिस पिछले समय में अपन ने यहाँ पर दो वीडियो बनाए, पार्ट वन बनाया, पार्ट टू बनाया। लेकिन जो अब अपन ने यहाँ पर पार्ट थ्री बनाने वाले वो एकदम ओवर पावर है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे विथ डायमंड प्रूफ के साथ। और आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा होगा कि भाई जब अपन यहाँ पर पाकिस्तान सर्वर का रिव्यू कर रहे थे तो पाकिस्तान सर्वर के अंदर भाई ऐसी कोई भी क्रेट नहीं है जो पाकिस्तान सर्वर की क्रेट सेक्शन में अवेलेबल ना हो। एंजल एक पेंट हो गया, यानी कि जो एंजल रैपर एंड एंजल हैफ ऑफ बंडल है उनकी क्रेट हो गई। और भाई 10 डायमंड की क्रेट में भाई 999 डायमंड से लेकर 9099 डायमंड तक मेरे ख्याल से इतने ही डायमंड मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की भी क्रेट है और उसके साथ में इतनी ज्यादा क्रेट है भाई आप पूछो मत, क्योंकि आपने यहाँ पर इस प्रकार की क्रेट कभी भी नहीं देखी होंगी। अगर आप यहाँ पर इंडिया सर्वर से हो तो भाई आपने कभी भी भाई इस प्रकार की क्रेट नहीं देखी होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विथ डायमंड के साथ में बात करेंगे और सारा डायमंड यहाँ पर खर्च करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टॉप अप किया है और उसके साथ में हम यहाँ पर बात करें जो रैंक वगैरह है उनमें भाई कौन कौन से प्लेयर टॉप पर है और कौन पाकिस्तान सर्वर का बैजेस किंग है और कौन से प्लेयर के पास सबसे ज्यादा बैजेस है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलो फिर यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मतलब अगर आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो चलो फिर यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों अपन यहाँ पर आ चुके हैं फ्री फायर पाकिस्तान सर्वर के अंदर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर सेटिंग के अंदर देख लो, ये यहाँ पर पाकिस्तान सर्वर। अब आप यहाँ पर कह रहे हो कि भाई तेरे पास तो टोटल 451 डायमंड है, लेकिन भाई अगर आप यहाँ पर गलत कह रहे हो, मतलब अगर आप यहाँ पर 451 डायमंड देख रहे हो तो भाई आप गलत हो, क्योंकि जो पाकिस्तान सर्वर का क्रेट का प्राइस है वो बहुत ही कम है। और भाई इवेंट का जो प्राइस भी आते हैं, जो पाकिस्तान सर्वर की इवेंट आते हैं भाई, वो एकदम सस्ते होते हैं। और इसीलिए भाई पाकिस्तान सर्वर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, समझ रहे हो। इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, और उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छा सर्वर लगा वो है पाकिस्तान सर्वर, क्योंकि भाई इधर ना भाई इतनी ज्यादा क्रेट अवेलेबल है, इतनी ज्यादा आइटम वगैरह अवेलेबल है, मास्क अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो चलो चलते हैं क्रेट सेक्शन के अंदर और देखते हैं भाई किस प्रकार की क्रेट वगैरह है। तो भाइयों ये है पाकिस्तान सर्वर का क्रेट सेक्शन। अगर आप यहाँ पर बात करें क्रेट सेक्शन देखोगे तो पहले आपको क्रेट सेक्शन नहीं देखना है, सबसे पहले आपको क्रेट से रिलेटेड एक सेक्शन होता है, वो होता है रिडीम सेक्शन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिडीम सेक्शन देखना है कि भाई यहाँ पर रिडीम में अपन को क्या क्या मिलेगा। तो पहला ऑप्शन आता है प्लान बरबुडा, अपन इनकी क्रेट भी ओपन करेंगे और इधर अपन को बहुत सारे टोकन मिलेंगे। वैसे मैंने इंडोनेशिया सर्वर पे इतनी प्रकार की मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारी क्रेट ओपन की थी, मुझे बहुत सारे यहाँ पर टोकन मिले थे, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो पहला इवेंट आता है प्लान बरबुडा, और आपने यहाँ पर ये वाला इवेंट देखा होगा कि भाई जो इंडिया सर्वर के अंदर आया था और बहुत दिनों पहले निकल भी चुका है। और उसके साथ में आप यहाँ पर नीचे देखोगे इधर भी बहुत बढ़िया इवेंट है, मतलब जो रिडीम सेक्शन है जो अपन क्रेट में यहाँ पर ओपन करेंगे अपन को उधर जो टोकन मिलेंगे उनकी हेल्प से अपन इतने सारे बंडल हो गया, गन की स्किन हो गया, तो इस प्रकार के अपन एक्सचेंज करेंगे। जो आप यहाँ पर गन की क्रेट देख पा रहे हो भाई ये बहुत ही ओवर पावर गन की क्रेट होती है, और जब भी आप इन क्रेट को ओपन करोगे तो भाई 100% लाइफ टाइम निकलती है। यानी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ भाई अगर आप एक ओपन करोगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पर 5 से 10 क्रेट ओपन करोगे तो भाई उम्मीद है कि भाई निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से अपना पहला सेक्शन है। और दूसरा सेक्शन है, आप यहाँ पर देखोगे कुछ बंडल्स वगैरह है, कट्टे की स्किन है, और भाई अपनी जो फेवरेट गन है क्रेजी बनी है B40, तो इसकी भी क्रेट यहाँ पर अवेलेबल है, और भाई आर्मरी सेक्शन के अंदर भी अवेलेबल है, तो वो भी अपन यहाँ पर ओपन करेंगे। और वीडियो आपको एकदम पूरा देखना है, क्योंकि आज का वीडियो एकदम ओवर पावर होने वाला है, और आप भी देखोगे कि पाकिस्तान सर्वर बेस्ट है या फिर इंडिया सर्वर बेस्ट है, तो आपका यहाँ पर डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज अपन क्रेट सेक्शन के ऊपर ही सारा जोर लगाएंगे। तो इसके साथ में आप यहाँ पर देखोगे एक और सेक्शन मिलेगा, ये पैट सेक्शन। तो इधर बहुत सारे पैट की स्किन वगैरह अवेलेबल है, तो इधर आप देखोगे कोई भी ऐसा पैट नहीं, वैसे ये पैट तो लाइफ टाइम है, पर यहाँ पर नीचे देखोगे बहुत सारे स्किन वगैरह भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से भाई ये पैट का रिडीम सेक्शन है। तो चलो अब हम यहाँ पर चलते हैं क्रेट सेक्शन के अंदर और अपन यहाँ पर एक एक करके क्रेट ओपन करते हैं। तो इधर सबसे पहले आप यहाँ पर सारी क्रेट का प्राइस देख लो, और सारी क्रेट आप यहाँ पर देख लो कि भाई जो पाकिस्तान सर्वर है उधर भाई एक से बढ़कर एक क्रेट अवेलेबल है। तो इधर आप यहाँ पर देखोगे जो अपना फेवरेट यहाँ पर फ्लैग इमोट है भाई, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कितना बढ़िया इमोट है, ये मेरा सैमसंग का नंबर है। और उसी के साथ में आप यहाँ पर देखोगे जो क्रेट का प्राइस है भाई 9-9 डायमंड में भी आपको यहाँ पर क्रेट मिलेगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके सारी क्रेट देख लो कि भाई किस प्रकार की है, और अपना जो फेवरेट पैंट है उसका भी क्रेट अवेलेबल है, और उसी के साथ में आप यहाँ पर नीचे भी बहुत सारी क्रेट देख सकते हो। तो अपन यहाँ पर एक एक करके सारी यहाँ पर क्रेट ओपन करेंगे, लेकिन खास करके हम यहाँ पर बात करेंगे डायमंड की।
तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखोगे जो डायमंड का क्रेट है भाई एकदम ओवर पावर है, और ओनली यहाँ पर बात करिए जो क्रेट है डायमंड की वो सिर्फ 10 डायमंड में मिलती है, तो इसलिए भाई ये वाली क्रेट मुझे बहुत बढ़िया लगी। और डायमंड भी आप यहाँ पर साइड में देखोगे तो फर्स्ट में अपन को 1000 डायमंड मिलेंगे, सेकेंड में अपन को 100 डायमंड मिलेंगे, 10 डायमंड, 5 डायमंड और 2 डायमंड, 1 डायमंड के साथ में अपन को बहुत सारे आप यहाँ पर देखोगे गोल्ड भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से भाई ये वाली क्रेट एकदम ओवर पावर है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई अपन यहाँ पर 5 क्रेट ओपन करते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो अपन यहाँ पर पहले 5 क्रेट ले लेते हैं और 5 क्रेट अपन ओपन करते हैं और देखते भाई निकलती या नहीं निकलती। तो चलो अपन यहाँ पर क्रेट पहले ओपन करते हैं और देखते भाई निकलती कि नहीं निकलती। तो इधर आप देखोगे अपन को पहले ही मतलब अपन ने जब भी जब अपन ने यहाँ पर 5 क्रेट ओपन की तो इधर अपन को 2 डायमंड मिला और बाकी गोल्ड मिले। तो इस प्रकार से हम बात करें पहली क्रेट थी। चलो यहाँ पर बात करें 5 क्रेट और अपन ओपन करते हैं और देखते भाई क्या कुछ निकलता है। तो पहले अपन ने यहाँ पर 5 क्रेट ओपन की, अपन को 2 डायमंड मिले, लेकिन अब की बार अपन यहाँ पर 5 क्रेट फिर ओपन करेंगे और भाई मुझे उम्मीद है कि 1000 डायमंड ही निकलेंगे। तो इधर फिर से अपन को एक एक डायमंड मिला। तो इस प्रकार से देख सकते हो यार क्या हो गया अपन को। तो इस प्रकार से ये थी डायमंड की क्रेट। जब अपन के यहाँ पर और डायमंड बचेंगे फिर अपन यहाँ पर फिर से स्पिन लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ और क्रेट यहाँ पर देखो। और अपन को भाई यहाँ पर बहुत सारा स्पिन करना है तो अपन को भी डायमंड बचाना है। एंजल रैपर एंड एंजल हैप ऑफ बंडल है, और भाई यहाँ पर नेम पर मत जाना, हर सर्वर पे इसके डिफरेंट नेम है, लेकिन जो पाकिस्तान सर्वर है इधर एंजेलिक नाम आता है और यूरोप सर्वर के अंदर भाई इसी का नेम है एंजल रैपर एंड एंजल हैप ऑफ बंडल। तो इस प्रकार से हर सर्वर पे इसका नेम बदल जाता है, तो नाम पर मत जाना। चलो अपन यहाँ पर 2-3 क्रेट ओपन करते हैं सबसे पहले और देखते भाई अपन को क्या निकलता है। चलो अपन यहाँ पर 3 क्रेट ओपन करते हैं और देखते भाई क्या निकलता है। तो अपन को यहाँ पर 7 दिन 3 दिन 3 दिन के लिए यहाँ पर पैंट मिला। तो इस प्रकार से ये वाला पहला ऑप्शन था। चलो यहाँ पर 2 क्रेट और अपन यहाँ पर ओपन करते हैं। वैसे अपन यहाँ पर फिर से ओपन करेंगे क्योंकि अपन को भी बहुत सारी क्रेट ओपन करनी है, क्योंकि भाई आप यहाँ पर देखोगे एक से बढ़कर यहाँ पर बात करें एक से बढ़कर एक क्रेट अवेलेबल है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अपन कौन सी क्रेट यहाँ पर ओपन करते हैं। भाई मेरे ख्याल से भाई एकदम सारी क्रेट यहाँ पर ओवर पावर है, पेट की भी क्रेट यहाँ पर ओवर पावर है, पर लेकिन जिसमें अपन का यहाँ पर निकलने का चांस होगा 100% अपन उन्हीं क्रेट को ओपन करेंगे। तो इधर देखोगे जो प्लान बरमुडा का क्रेट है भाई एकदम बकवास क्रेट है, इधर भाई बहुत ही कम निकलता है। तो अपन इसमें डायमंड बर्बाद नहीं करेंगे, अपन यहाँ पर कुछ ऐसी क्रेट देखेंगे जिनमें अपनी उम्मीद हो निकलने की और बहुत सारे टोकन हो। चलो अपन यहाँ पर एक क्रेट इसकी ओपन करते हैं जो फ्लैग इमोट है, निकलता है या नहीं निकलता। तो चलो अपन यहाँ पर एक क्रेट ओपन करते हैं। तो इधर अपन को एक टोकन मिला, तो इधर भी अपन को कुछ नहीं मिला, क्योंकि अपन ना भाई कुछ ऐसी क्रेट ओपन करना चाहते हैं जिसमें अपन को कुछ मिले। तो आप यहाँ पर देखोगे ये वाली क्रेट एकदम ओवर पावर क्रेट है। अगर आप यहाँ पर इस क्रेट की बात करें तो ये भी यहाँ पर बात करें एंजेलिक पेंट का एक छोटा सा चड्डा है और एकदम ये भी ओवर पावर है, क्योंकि इसमें भाई बहुत ही बढ़िया बॉडी वगैरह मिलेगी। चलो पहले अपन यहाँ पर 1-2 क्रेट ओपन करते हैं और देखते भाई निकलती या नहीं निकलती। 3 टोकन मिले, तो मेरे ख्याल से भाई अपन को क्या करना चाहिए, अपन का जो फेवरेट क्रेट है सबसे पहले अपन को उन्हीं को ओपन करना चाहिए, बाद में अपन यहाँ पर एक एक करके सारी क्रेट ओपन करते हैं। अगर अपन यहाँ पर डायमंड कम पड़ जाता है तो चलो अपन यहाँ पर फिर से कुछ कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ पर फिर से 1-2-3 क्रेट खोलते हैं, 2 क्रेट खोलते हैं, अपना एंजेलिक पेंट निकलता कि नहीं निकलता। तो देखो यार फिर से 7 दिन के लिए मिला, और उसी के साथ में अगर अपन यहाँ पर नीचे जाएंगे तो अपना यहाँ पर फिर से एक डायमंड का क्रेट था। चलो यहाँ पर बात करें कुछ और अपन क्रेट ओपन करें क्या, तो इधर देखते हैं भाई किस किस प्रकार की क्रेट है। तो अपन ने यहाँ पर बहुत सारी क्रेट ओपन की, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेयर है वो है भाई यहाँ पर डायमंड की क्रेट। तो अपन यहाँ पर फिर से यहाँ पर 5 बॉक्स खरीदते हैं और देखते भाई डायमंड निकलता या नहीं निकलता, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ डायमंड निकले और निकल जाए, क्योंकि अगर अपने डायमंड निकलेंगे तो अपन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलो अपन को फिर से नहीं मिले तो अपन 1-2 क्रेट और यहाँ पर ओपन करते हैं, और अगर डायमंड मिलता है तो अपन के लिए बहुत ही ज़्यादा लक होगा, क्योंकि अपन यहाँ पर बात करें बहुत कुछ परचेस कर पाएंगे। चलो अपन को यहाँ पर डायमंड नहीं मिला, अपने पास 100 डायमंड अभी भी अवेलेबल है। तो अभी के लिए अपन यहाँ पर ये क्रेट ओपन नहीं करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर स्टोर सेक्शन भी देख लो किस प्रकार के यहाँ पर बंडल वगैरह हैं। पिछली वीडियो में अपन ने यहाँ पर सारे बंडल की बात करी थी, लेकिन अभी अभी कुछ ऐसे बंडल फेडेड बिल वगैरह ऐड करके रख दिए गए हैं, बहुत ऐसे इवेंट वगैरह हैं जो भाई पाकिस्तान सर्वर के अंदर ऐड करके रख दिए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर चलो उधर लकरवाल के अंदर और कुछ नए इवेंट वगैरह देख लो जो अभी पाकिस्तान सर्वर के अंदर चल रहे हैं, और एकदम ओवर पावर इवेंट है। आप यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर बात करें इनक्यूबेटर है वो भाई पाकिस्तान सर्वर के अंदर कुछ इस प्रकार से चल रहा है, और एक जो फेडेड बिल है आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस प्रकार से चल रहा है। चलो अपन यहाँ पर क्या करते हैं भाई, फेडेड बिल में कुछ डायमंड अपन वगैरह लगा देते हैं। चलो अपन यहाँ पर इनको डिस्चार्ज करते हैं और देखते भाई ये वाला फेडेड बिल कैसा है। 9 डायमंड के अपन यहाँ पर स्पिन करते हैं और देखते भाई अपन को क्या निकलता है। तो ये अपन को एक बॉक्स निकला, ये भी अपन यहाँ पर बॉक्स ओपन करेंगे तो हो गया। और उसके साथ हम यहाँ पर बात करें रेयर वुड पीकर का स्किन भी मिल रहा है पाकिस्तान सर्वर के अंदर, और डायमंड रॉयल की बात करें तो एकदम सेम है, और वेपन रॉयल की बात करें सब कुछ सेम है। और जर्सी इवेंट की बात करें तो पाकिस्तान सर्वर के अंदर जो जर्सी इवेंट है वो एकदम खास है। अगर आप यहाँ पर बात करें इंडिया सर्वर का जर्सी इवेंट देखोगे तो भाई अपन को उधर डायमंड वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे,
लेकिन जो पाकिस्तान सर्वर का जर्सी इवेंट है, तो इधर आप यहाँ पर देखोगे कितने ज़्यादा डायमंड अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कुछ कंपैरिजन कर सकते हो और आप देख सकते हो कि पाकिस्तान और इंडिया सर्वर में कितना कुछ फर्क है। तो भाई अपन यहाँ पर क्रिएट तो बहुत सारे ओपन कर लिए और अपन यहाँ पर बाद में भी क्रिएट ओपन करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जो पाकिस्तान सर्वर की प्रो प्लेयर है, जो हम यहाँ पर बात करें रैंक में बहुत ही हाई हैं, बैजेस में बहुत ही हाई हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो चलो अपन यहाँ पर चलते हैं लीडर बोर्ड की तरफ और देखते हैं भाई पाकिस्तान सर्वर के अंदर कितने सारे प्लेयर खास हैं और कितने सारे प्लेयर बढ़िया हैं। तो इधर आप यहाँ पर देखोगे एकदम ओवर पावर यहाँ पर डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। इधर आप यहाँ पर देखोगे जो रीजन है, आप यहाँ पर देखो रैंकड में किल्स के मामले में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा प्लेयर है, तो आप यहाँ पर देखोगे जो रीजन है वो यहाँ पर पाकिस्तान है और किल्स है सोलो है, मतलब सोलो में सबसे ज़्यादा किल किसने किए पूरे पाकिस्तान सर्वर के अंदर। तो भाई ये वाला प्लेयर आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, लेकिन जब आप इसकी प्रोफाइल देखोगे तो आप यहाँ पर हैरान रह जाओगे। ये वाला बंदा भाई यहाँ पर ब्रॉन्ज पर अभी अटका हुआ है और आप यहाँ पर देखोगे भाई एकदम मतलब बहुत ही न्यू आईडी है। अगर आप इसकी आईडी वगैरह देखोगे तो 36 लेवल की आईडी है। तो इधर आप यहाँ पर देख सकते हो भाई कितना बड़ा प्लेयर है मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई इधर देखोगे 36 लेवल का बंदा पूरा यहाँ पर बात करें रीजन टॉप कर रहा है भाई। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे सीएस रैंक यानी क्लास स्क्वाड रैंक का, तो अपन यहाँ पर रीजन देखेंगे और रीजन के अंदर आप यहाँ पर देखोगे कितने सारे प्लेयर हैं जो भाई रैंक में टॉप हैं। तो आप यहाँ पर एक एक करके सारे प्लेयर देख सकते हो। चलो मैं यहाँ पर टॉप के कुछ प्लेयर की आपको यूआईडी वगैरह दिखा देता हूँ, सब कुछ घुमा देता हूँ। तो इस प्रकार से भाई अपने पहले प्लेयर हैं, मतलब पाकिस्तान सर्वर के पहले प्लेयर हैं, तो इनका यूआईडी वगैरह सब यहाँ पर देख सकते हो, गिल्ड वगैरह देख सकते हो। प्रोफाइल वगैरह की बात करें तो आप यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह भी देख सकते हो, इस प्रकार का प्रोफाइल वगैरह है, तो आप यहाँ पर सारा प्रोफाइल वगैरह देख लो। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं बैजेस के बारे में कि भाई जो पाकिस्तान सर्वर है उसके अंदर भाई ग्लोबल और रीजन में सबसे ज़्यादा टॉप कौन कर रहा है बैजेस के मामले में। तो इधर आप यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर देख सकते हो कि भाई पाकिस्तान सर्वर के अंदर जो बैजेस में टॉप प्लेयर हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई 3762 बैजेस में टॉप पर हैं वाले प्लेयर। और अगर हम यहाँ पर बात करें अपने इंडिया सर्वर के अंदर तो भाई अपने इंडिया सर्वर के अंदर तो भाई 15 यानी कितने कितने बैजेस लगती है, 15,000 तक बेजेस चले जाते हैं कभी कभार। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सारा बेजेस सेक्शन देख सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं गिल्ड्स वगैरह की, जो अपने गिल्ड वगैरह होते हैं और पाकिस्तान सर्वर के अंदर जो गिल्ड हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, जो रीजन में कौन सा बढ़िया गिल्ड चल रहा है, सबसे हाई गिल्ड कौन सा है, तो आप एक एक करके बहुत सारे गिल्ड भी देख सकते हो। तो मैं सारे गिल्ड के बारे में एक साथ तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि भाई यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए आप यहाँ पर सारा 1, 2, 3 करके लीडर बोर्ड करके सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी के लिए अपन यहाँ पर फिर से आए हैं आर्मरी सेक्शन के अंदर। तो आर्मरी सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे बहुत सारी क्रेट वगैरह अवेलेबल है, और जो विंटरलैंड का कट्टा आया था भाई एकदम फेवरेट है मेरा, क्योंकि भाई इसमें डबल रेंज है और भाई बहुत बढ़िया। चलो अपन इसकी एक क्रेट ओपन करते हैं और देखते भाई अपन को लाइफ टाइम निकलता कि नहीं निकलता। चलो 3 दिन के लिए अपन को ऑफ की स्किन मिली, तो मुझे तो पता ही था कि भाई अपने बहुत ज़्यादा डायमंड जाएंगे पर अपन को कुछ मिलेगा नहीं। तो अभी के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अपने पास 30 डायमंड अभी भी बचे हैं, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे 3 क्रेट और ओपन करेंगे और देखते भाई डायमंड मिलता कि नहीं मिलता। तो अपन को यहाँ पर 2 डायमंड मिले। तो मेरे प्यारे भाई आपने यहाँ पर देखा जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सर्वर का अपना तीसरा वीडियो था वो किस प्रकार से था। मैंने माना कि भाई वीडियो इतना ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर मेरे ख्याल से भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास था, क्योंकि भाई हम यहाँ पर बात करें अपने इंडिया सर्वर के अंदर भाई डायमंड का मतलब यहाँ पर बात करें कुछ लोचा वगैरह नहीं होता है, अपन आसानी से डायमंड टॉपअप कर सकते हैं। लेकिन भाई जो अदर सर्वर उधर भाई डायमंड का बहुत ही ज़्यादा लोचा होता है, मतलब यहाँ पर बात करें बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग भी होती है। हम यहाँ पर बात करें कभी कभार अपना पेमेंट अटक जाता है और भाई डायमंड टॉपअप नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मान लो इंडिया सर्वर के अंदर तो सीधा कोडा शॉप यूज कर लो, गेम्स खरीदो .in यूज कर लो और फ्री फायर के अंदर से डायरेक्ट टॉपअप कर लो, लेकिन पाकिस्तान सर्वर के अंदर हो गया या फिर अदर सर्वर पे डायमंड टॉपअप का यहाँ पर बात करें कुछ अपना सीन वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है कि भाई अपन यहाँ पर आसानी से डायमंड टॉपअप नहीं कर सकते हैं, उधर अपने यहाँ पर पेमेंट वगैरह भी अटक जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करें अपन ने जितने ज़्यादा भी डायमंड खर्च किए भाई वो बहुत ही ज़्यादा थे, चाहे अपने यहाँ पर 400 से 500 ही डायमंड हो, लेकिन भाई अदर सर्वर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डायमंड होते हैं। अगर इंडिया सर्वर के अंदर हम बात करें होते तो मैं मानता कि छोटे से डायमंड है, एयर ड्रॉप वगैरह में भी इतने ज़्यादा डायमंड मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर अदर सर्वर पे डायमंड खर्च कर रहे हैं, अगर 400 डायमंड खर्च कर रहे हैं तो उनको भाई 1000 डायमंड समझ के सोचो कि भाई ये 1000 डायमंड है, क्योंकि भाई उधर स्टोर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई उधर कितनी ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। तो भाई यहाँ पर बात करें इस प्रकार से अपना सारा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और भाई जो मेरा पाकिस्तान का यू आई डी है, गिल्ड आई डी है, वो सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो जो भाई मेरा पाकिस्तान सर्वर में गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं अकेला ही अभी गिल्ड में हूँ, कोई भी भाई नहीं है अपने गिल्ड में। तो बस अगर आप यहाँ पर फ्रेंड बनाना चाहते हो तो भाई यू आई डी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको कॉपी करके भाई आप यहाँ पर फ्री फायर के अंदर सर्च करके फ्रेंड बना सकते हो, गिल्ड में आ सकते हो। और दूसरी वीडियो में मिलने से पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आता तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो भाई कमेंट में जरूर बता देना, मैं सॉल्व कर लूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।